सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी। और आज बच्चों हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड वेव्स के क्वेश्चंस। ठीक है, कहाँ साउंड वेव्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। पहले मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूँ बच्चों, यानी कि कल तक आपके पास बच्चों अनअकैडमी पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, दैट इज़ अनलॉक 20। यानी कि कुछ दिन बाद जो है प्राइसेस बच्चों यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्लस की रेगुलर प्राइस जो है वो 2.5 ईयर्स के कोर्स के 66,000 हैं, वो अभी इस समय आपके पास 52,800 बच्चों आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको 20% ऑफ मिल रहा है। 2 ईयर का कोर्स इज़ लाइक 49,280 है ना, 18 मंथ्स का। आप देखिए कि कितना आपको जो है यहाँ पर ऑफर है आपके पास। ठीक है, और बच्चों आइकनिक के रेगुलर प्राइस भी आप देख सकते हैं कि 6 मंथ का जो है 38,000 का होता है वो 30,400 का है, 24,000 का जो है वो, और 24 मंथ्स का इज ऑफ 1 लाख, ठीक है, उसका प्राइस इज 80,000। सो बहुत बहुत डिस्काउंट है बच्चों। तो ये ऑफर केवल आपके पास मार्च 16 तक है, तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें बच्चों। आशीष 123 आप कोड यूज़ करें और ज़रूर से ज़रूर बच्चों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले लें। ठीक है, और बच्चों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब अनअकैडमी के साथ आशीष अरोड़ा सर, रिनोन्ड फिजिक्स टीचर है, वो जो है हेड करने कर रहे बच्चों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रोग्राम को। तो आप जो है इस समय बहुत ही अच्छे टाइम पर अनअकैडमी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस समय अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में भी बहुत ही बढ़िया ऑफर है बच्चों, यानी कि आप देखिए 3 मंथ का जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसका प्राइस है 999, 6 मंथ का जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसका प्राइस है 1599, और 18 मंथ वाला है 3000। ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त ऑफर है आपके पास, तो इसको भी आप जो है बच्चों देखिए। 30,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों आपको मिल रहे हैं ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ तो मिल ही रही है आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर सारे मिल रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है बच्चों। यूज़ करिए कोड आप आशीष 123। ठीक है, क्या कोड आपको यूज़ करना है, आशीष 123। ठीक, और बच्चों 16 मार्च को कई सारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये आपका 60 डेज रिविज़न कोर्स है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट दोनों ही कवर किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद मैस्ट्रोस। ठीक है, ये अर्ली इवॉल्व बैच है बच्चों, यानी कि ये क्लास 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टॉप नॉच एजुकेटर्स आर देयर हु विल बी टेकिंग द क्लासेस देयर। अर्ली इमर्ज टू बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यानी कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके मार्च 16 से। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और स्टार्टिंग से ज्वाइन कर ले बच्चों। ठीक है, हाँ आई नो कि आपके बोर्ड वगैरह आ रहे होंगे, जैसे जो भी बच्चे अभी 10th में हैं, पर देखिए पहले फाउंडेशन ही चल रहा है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क वगैरह भी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, तब तक ये सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टील ट्यूब है, बना लेते हैं हम लोग, एक स्टील ट्यूब है बच्चों जिसकी लेंथ 1 मीटर है। क्या बात है बच्चों, 1 मीटर की स्टील ट्यूब है यहाँ पर, उसको आप एक एंड से स्ट्रक करते हो जैसे कि साउंड प्रोड्यूस हो। अ पर्सन विद हिज ईयर, है ना, यहाँ पे एक पर्सन ने अपना ईयर लगा दिया, क्लोज टू द अदर एंड हियर्स द साउंड ऑफ द ब्लो ट्वाइस, दो बार उसको एक ही आवाज़ उसको दो बार सुनाई देती है, एक तो जो है आपके इस स्टील ट्यूब से होते हुए जो आवाज़ आती है वो सुनाई देती है, एंड द सेकेंड वन इज कि जब एयर से होते हुए जो है वो पहुंचती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सुनाई देती हैं। आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, हमें क्या करना है, इन दोनों साउंड्स के बीच में टाइम का डिफरेंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द जो है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस, उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है और साउंड की स्पीड जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी का डिफरेंस है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम वन यानी कि लेंथ तो एल ही है, और एक बार स्पीड इन स्टील तो काफ़ी कम टाइम लगेगा,
है ना। और टी टू जो है हमारे पास एल अपॉन वी एयर, तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा एक्चुअली में एयर में ज़्यादा टाइम लगेगा है ना। तो डेल्टा टी हमसे पूछा है, यानी कि टी टू माइनस टी वन हमसे पूछा गया, टी टू माइनस टी वन हमसे पूछा गया है, यानी कि एल कॉमन ले लें अगर हम लोग तो वन अपॉन वी एयर माइनस वन अपॉन वी स्टील। अच्छा ये वैल्यूज़ आपको बुक में दे रखी हैं, एल की वैल्यू तो वन है, वी एयर की वैल्यू अगर हम लोग बोलें तो 330 है, और ये कितना है लेट मी चेक 15200, यानी कि स्टील पे जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो 5200 होती है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 5200 माइनस 330 अपॉन 330 इंटू 5200, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, दिस इज़ जस्ट 2.75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स, जिसको हम लोग बोल सकते 2.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया है। तो क्लियरली आपने देखा कि स्टील में काफ़ी जल्दी से बच्चों जो है आवाज़ पहुंच जाएगी, जबकि जो एयर में है वो थोड़ा टाइम लगेगा, और उसी टाइम के डिफरेंस को यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम का लेंथ अपॉन वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो है साउंड का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर। एट अ प्रेयर मीटिंग द डिसाइपल्स सिंग जय राम जय राम जय राम जय जय राम, ठीक है। क्या सिंग कर रहे हैं डिसाइपल्स, जय राम जय राम जय जय राम, ठीक है। तो ये यहाँ पर गाया जा रहा है बच्चों जय राम। द साउंड एम्पलीफाइड बाई अ लाउड स्पीकर्स कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द मीटिंग, यानी कि यहाँ पे अगर कोई गाना गा रहा है बच्चों आरती टाइप्स, तो ये जो है आपके साउंड वेव्स यहाँ जाती है और फिर ये बता रहे कि 80 मीटर दूरी से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से लाइट में रिफ्लेक्शन होता है उसी तरीके से साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो 80 मीटर को कवर करके हमारी जो साउंड है वो वापस आती है। तो क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट मैक्सिमम टाइम इंटरवल कैन बी केप्ट बिटवीन वन जयराम एंड द नेक्स्ट जयराम सो दैट द इको डज नॉट डिस्टर्ब अ लिसनर सिटिंग इन द मीटिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि जब एक बार आपने यहाँ पे बोला तो वो साउंड तो एक बार आप जब ने बोला तो सुन ही लिया, दूसरा ये वापस यहाँ जाता है और फिर लौट के आता है रिफ्लेक्ट होके फिर आप सुनते हो, लेकिन आप चाहते हो कि डिस्टरबेंस ना हो बच्चों। तो यानी कि जब आप दूसरी बार बोल रहे हो तो उतनी देर में आपकी ये साउंड वहाँ पर आ जानी चाहिए, मतलब एक बार बोला आपने वो तो सुन ही लिया, लेकिन जब आप दूसरी बार बोले तो पहली बार का जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर वहाँ पर आ जाए, तो फिर दोनों जयराम जो होंगे वो एक साथ आवाज आएगी, तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है क्या, पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले अब आपको बेसिकली टाइम निकालना है कि कितनी देर में ये जाकर वापस आएगी। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, क्योंकि आपको केवल 80 मीटर नहीं जाना है, आपको 80 इंटू 2 मीटर जाना है, और ये डिस्टेंस हो गई। अब आपको टाइम चाहिए, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सुना होगा इस बात को आपने, तो 84 जा और हाफ सेकेंड, तो आपके बीच में हाफ सेकेंड का अंतराल होना चाहिए हर दो जयराम के बीच में, जिससे कि जो इको आ रहा है हमारा, जो रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड आ रही है उसमें, और जो आप जिस उस समय जो बोल रहे हो उन दोनों में क्या होना चाहिए, कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ओवरलैप कर जाने चाहिए वो दोनों ही। तो आई होप दिस इज़ आल्सो वेरी क्लियर एंड वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। स्टार्टिंग में तो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, जानते हैं आप, इतने सारे क्वेश्चन आप हमारे साथ कर चुके हैं। अब देखिए, मैन स्टैंड्स बिफोर अ लार्ज वॉल, एक इंसान है यानी कि मैन है,
वो खड़ा है एक लार्ज वॉल के सामने, ठीक है, एंड द डिस्टेंस गिवन इज नथिंग बट 50 meters. तो हमको जो डिस्टेंस दी गई है वो 50 meters दी गई है. एंड दिस मैन इज क्लैपिंग हिज हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, वो अपने हाथों को क्लैप कर रहा है रेगुलर इंटरवल्स पर, ठीक है. इनिशियली द इंटरवल इज वॉज लार्ज, यानी काफ़ी देर में एक क्लैपिंग किया, फिर दूसरी क्लैपिंग में ज़्यादा गैप था, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी क्लैपिंग होने लगी है बच्चों. तो ये क्या कह रहे हैं, ही ग्रेजुअली रिड्यूसेस द इंटरवल एंड फिक्सेस इट एट अ वैल्यू व्हेन द इको ऑफ अ क्लैप मर्जेस विद द नेक्स्ट क्लैप. तो वही वाली बात हो गई जैसे अभी हुआ था, जयराम जय जयराम वाली बात, बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम स्टाइल. तो अब आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी. इफ़ ही हैज़ टू क्लैप 10 times ड्यूरिंग एवरी 3 seconds, देन यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर. तो आप अगर ऐसा करते हो कि 10 seconds, 3 seconds में 10 बार करते हो क्लैपिंग, तो यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे कि भाई कितनी देर लगती है. तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 10 times क्लैपिंग, 10 times क्लैपिंग कितने सेकेंड में, 3 seconds में. तो एक क्लैप का कितना जो है ड्यूरेशन है, कितना गैप है बिटवीन क्लैपिंग, तो 1 clap का जो पीरियड है दैट इज 3/10 seconds, है ना, 0.3 seconds में एक क्लैप आता है, ठीक है. अब जो टाइम है, टाइम जो पहुंचने का ना, जैसे देखिए इनिशियली द इंटरवल इज लार्ज एंड ग्रेजुएट एंड फिक्सेस, तो क्या बोल रहे हैं कि इंटरवल एंड फिक्सेस इट एट अ वैल्यू इन द इको ऑफ द क्लैप मर्जेस विद द नेक्स्ट क्लैप, ठीक है. और बस ये बता दिया कि एक क्लैप में कितना समय होता है, तो अगला क्लैप फिर से 3/10 seconds बाद आएगा, है ना. तो यानी जो गैप है टाइमिंग का वो है 3/10 seconds. तो ध्यान रखें जो गैप है टाइमिंग का वो कितना, यानी कि डेल्टा टी जो है हमारे पास जो टाइम है वो 3/10 seconds है बच्चों, ठीक है. तो अगर आप या तो 100 कर लें या 50 में ही आप जो है निकाल सकते हैं. बेसिकली यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या बोलना जा रहे हैं हम लोग. आप या तो यहाँ से जाके यहाँ तक आने का करके फिर जो है कर लीजिए, या केवल 50 में ही आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो आई थिंक हम लोग जैसे पिछली बार करें तो वैसे ही कर लेते हैं. तो यहाँ पे डेल्टा टी आपको पता है कि 3/10 ये टाइम हो गया, और डिस्टेंस हो जाएगा 100 meters, तो वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है. तो बहुत ही आसान, अब 100 का 10 भेजेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000/3, तो वेलोसिटी आई थिंक 330 meters per second. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. चलिए भाई, अ पर्सन कैन हियर साउंड वेव्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 20 hertz to 20 kilohertz. तो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, एक रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग. तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वो 20 hertz है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 20 kilohertz है, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ. तो लेमडा मिन इज हाउ मच, तो लेमडा मिन अपने को निकालना है. सो दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है. तो जो है हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होगा. तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवेन 360, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो आपको मिनिमम चाहिए, तो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ मैक्स रखना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको यहाँ पे 20,000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों. तो ये 36/2000 करिए, तो मैंने किया हुआ है बच्चों, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो 18 into, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करके इसको आप 1000 बना सकते हैं. तो ये 18 into 10^-3 आ गया, यानी कि 18 millimeters. तो अब देखिए, अगर आप लेमडा मैक्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर वेलोसिटी तो सेम रहेगा. अब आप अगर लेमडा को मैक्स चाहते हो तो डिनोमिनेटर में आपको मिनिमम चाहिए.
तो ये देखिए आपके पास 18 मीटर का जो है वो लैम्डा आ रहा है बच्चों, क्योंकि द फॉर्मूला यू मस्ट बी नोइंग कि लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से डायमेंशन से भी आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिर से वही घिसा पिटा सवाल है बच्चों, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ और ऑडिबल रेंज इज सेम है ना, एंड जस्ट दिस टाइम योर स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट गाइज। तो लैम्डा मिन लिखते वक्त हम लोग इस बार 1450, और क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो हम यहाँ पर 20,000 करते हुए बच्चों, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें लैम्डा मिनिमम इस बार 725 × 10⁻²⁻ मीटर मिलेगा, एंड विच इज़ नथिंग बट 7.25 सेंटीमीटर। और फिर से वही एक बात हम लोग यहाँ करेंगे कि लैम्डा मैक्स जो है वो 1450, लेकिन इस बार केवल 20 होगा, तो अब आप 2, 7, 14, 2, 4 और 72.5 मीटर की सोचिए आपका लैम्डा है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों नमस्कार, और अब हम लोग चल रहे हैं, विदा ले रहे हैं, लेकिन हम फिर से मिलेंगे बच्चों, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों साउंड वेव्स में, तो आपका प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बना रहेगा, आप शेयर करते रहेंगे वीडियोज़ को, और बहुत कुछ है हमारे चैनल में बच्चों पूरा जो है, आपको इजी मैथ्स चैनल में जाएंगे तो आपको क्लास 10th है ना, आपके अगर छोटे भाई बहन दोस्त जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ जूनियर्स होंगे, उनको बताइए कि पूरे RD शर्मा अगर किसी ने पूरे यूट्यूब में लगाई है बच्चों, तो वो है मिस्टर आशीष वाजपेयी, ठीक है। और फिर उसी चैनल में आपके क्लास 11th का पूरा JEE लेवल का एडवांस तक का बच्चों आपको पूरे मैथमेटिक्स मिलने वाली है, 12th की पूरी मैथमेटिक्स आपको मिलने वाली है बच्चों। तो ये सारा चीज़ आपका इजी मैथमेटिक्स इजी मैथ्स नामक चैनल में पाया जाता है। और फिर आपके पास बच्चों हम लोगों का यही वाला चैनल जिसमें सारे SC वर्मा के सोल्यूशन तो है ही है बच्चों, तो केमिस्ट्री पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम 11th to 12th सब कुछ है बच्चों, ठीक है। फिजिक्स पूरा क्लास 11th और मैग्नेटिज्म तक पूरी रे ऑप्टिक्स पूरी वेव ऑप्टिक्स ये सब कुछ है, थोड़ा सा पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स का नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया बच्चों, तो मुझको फिर कहीं और भी काम करना पड़ जाता है, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो मैं सब कुछ फ्री रखूं, ठीक है। और साथ में बच्चों और मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, और फिर मैंने ऑर्गेनिक पूरी क्लास 11th की बच्चों आपको कराई है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में केवल ब्लॉक वाला पोर्शन इज़ ओनली लेफ्ट, अदरवाइज सॉल्ट एनालिसिस हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, ये सब है आपके चैनल में बच्चों, यू विल एंजॉय देम एंड दे आर रियली एडवांस मटेरियल, आप पढ़ के देखिए ना, आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चों, यू विल बी लर्निंग अ लॉट, ठीक है। और बच्चों टेलीग्राम में हमें ज्वाइन करें SC वर्मा सोल्यूशन नामक ग्रुप में, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा बच्चों, आप हमसे अगर कनेक्शन बना के रखेंगे तो बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।